एक बार की बात है, सारा नाम की एक छोटी लड़की थी। सारा को अपनी दादी से मिलने जाना था। ग्रामीण इलाकों में एक आरामदायक छोटी झोपड़ी में रहती थी। उनकी दादी एक गर्म और प्यार करने वाली महिला थी, जिनके पास हमेशा अपनी पोती की प्रतीक्षा में कुकीज़ एक ताज़ा बैच होती। एक दिन सारा अपनी दादी से मिलने गई और जब वह कुटिया में चली गई तो उसने देखा कि उसकी दादी थोड़ी उदास दिख रही थी। जब उसने अपनी दादी से पूछा कि क्या हुआ तो उसकी दादी ने बताया कि उसका पसंदीदा हार खो गया। हार कोई कई साल पहले उसके पति का उपहार था और यह उसके बहुत भावुक। सारा अपनी दादी को हार खोजने में मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने उससे पूछा कि यह कैसा दिखता। उसकी दादी ने उसे हार का वर्णन किया, यह दिल के आकार के लटकन के साथ एक साधारण चांदी की चैन थी। सारा जानती थी कि उन्हें हार का पता लगाना है, इसलिए उसने झोपड़ी के हर नुक्कड़ को छान मारा। उसने बिस्तर के नीचे, कोठरी में और यहाँ तक कि कुकी जार में भी देखा, लेकिन उसे हार नहीं मिली। सारा निराश होकर सोफे पर बैठ गई, अपना सिर उसके हाथों पर रख दिया। उसकी दादी उसके बगल में बैठ गई और उसके चारों ओर अपना हाथ रख दिया। चिंता मत करो प्रिय, उसकी दादी ने कहा, हार खो सकता है लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ अधिक मूल्यवान है, वह प्यार और यादें जो मैंने अपने पति के साथ साझा की थी। सारा ने अपनी दादी की ओर देखा और महसूस किया कि वह सही थी। हार सिर्फ एक भौतिक संपत्ति थी, लेकिन उसकी दादी के पास जो प्यार और यादें थीं वे अनमोल थीं। उस दिन सारा ने सीखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं बल्कि वह प्यार और रिश्ते जो दूसरे के साथ हम साझा करते हैं। वर्षों बाद सारा को अपनी दादी से कुटिया विरासत में मिली और उसे जब भी वह पाठ याद जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था, उसने झोपड़ी को प्यार से भर दिया और हर बार जब वह एक बॉक्स में मिले दिल के आकार के लटकन को देखती तो उसे अपनी दादी की बुद्धि और प्यार याद आता था।